हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है भारत का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव, यकीनन वैग 12। लेकिन पिछले कुछ एक दो दिनों से मैं अपने यूट्यूब के ऊपर मुसलसल ऐसे थंबनेल देख रहा हूँ जब वैग 12 के मुकाबले का कोई लोकोमोटिव पेश किया जा रहा है, पता नहीं वैग 9 2B या वैग 9 2, इनको इस तरह का है ना। अभी वीडियो देखी है ना, अभी तक किसी ने कमेंट में कोई कोई मालूमात दी है और ना ही अभी तक कोई खबर पड़ी है, इसलिए कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन ये कहीं सुनने में आ रहा है कि वैग 12 की टक्कर का कोई लोकोमोटिव भारत के ट्रैक के ऊपर आ चुका है। तो वैग 12 की टक्कर का सामान तो पैदा हो चुका है, लेकिन आज के दिन तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, वैग 12 इज़ द किंग ऑफ इंडियन रेलवे, खसूसन फ्रीट में जो मकाम वैग 12 ने हासिल किया अब तक किसी दूसरे लोकोमोटिव को हासिल नहीं हो सका। 350 के आसपास इसके यूनिट बनाए जा चुके हैं। और अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई गहराई से इसका पता है। मुझे तो इसका कलर और इसका शक्ल, इसका डिज़ाइन, ये मुझे ज़ाती तौर पर इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका डिज़ाइन रवायती लोकोमोटिव से, यानी जो आम तौर पर चलने वाले लोकोमोटिव हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और किसी बस की तरह दिखता है। और इसकी एक और ज़्यादा खूबसूरती है कि लंबा बहुत दिखता है। बाकी वैग 12 इज़ द किंग, ये वीडियो देखने से पहले ही अंदाज़ है, क्योंकि 12,000 हॉर्स पावर है। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है तो फिर इतनी बड़ी आउटपुट भी ज़रूर हासिल की गई होगी। तो इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसमें वैग 12 अपनी पूरी आबोताब, यानी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ फ्रीट के आगे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं जी इंडिया का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैग 12। अच्छा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ऑफ इंडिया, लोकेशन कृष्णगढ़ राजस्थान। अच्छा, यहाँ पे ये वेस्ट वाला ऑपरेशनल है जो आगे मुंबई तक जाता है, ईस्ट वाला उधर जाता है कलकत्ते तक। ये तो पूरा बिजली का ही लगता है जो ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है ना, जितना इनके इर्द-गिर्द इलेक्ट्रिक का निज़ाम बनाया गया है, क्योंकि ऐसे शाहकार चलाने थे ना वैग 12 जैसे। अब जाके इसने भी हॉर्न दिया, डबल स्टैक कंटेनर दोनों तरफ में, वाह क्या बात है भारत में फ्रीट की, और क्या बात है इस वैग 12 की, जो अपने डिज़ाइन को लेके हमेशा ही मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। यार सिंगल लोकोमोटिव इतना लंबा है। वैग 12 तो फिर फ्रीट का किंग है। एक और लोकोमोटिव भी है, WDG 4G, नारंगी और पीले कलर का, ऑरेंज और येलो, बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी फ्रीट का अक्सर देखा गया है। गार्ड साहब अपने तई झंडी लहरा रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। एक जैसे कंटेनर भी एक जैसे ही लग रहे हैं, लगता है ऐसे ही कि एक जैसा ही माल है। उसके आगे भी वैग 12 ही लगा है, क्या हुस्ने इत्तेफाक है, या कैसा वक्त पकड़ा किसी रेल फेयर ने यार। ये फ्रीट कॉरिडोर को आप नीचे खड़े होकर मतलब अंदर से देखे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इन खम्भों ने बिल्कुल हमें अपनी लपेट में लिया हुआ है। फिर से वैग 12 है। अच्छा, वो वहीं की वहीं खड़ी है अभी, यहाँ से ये सिंगल वाला भी आ गया। को तकरीबन कमो बेश 350 यूनिट इसके अब तक बन चुके हैं वैग 12 के, शायद 18 या 19 में पहली बार बना था। और भारत के जदीद तरीन लोकोमोटिव में से एक है ये, तो सारी गाड़ी एक जैसी लग रही है, क्या खूबसूरत फ्रीट ट्रेन है यार। ज़बरदस्त, आगे लोकोमोटिव खूबसूरत लगा है, पीछे ट्रेन, फ्रीट ट्रेन इतनी खूबसूरत लगी है। बड़ा बिजी रूट है यार ये तो, फिर
स्प्रिट को लेके स्पेशल बना ही इनके लिए। वैग सेवन आ गया, क्योंकि जो दूसरी तरह वैब सेवन है ना, वो रफ्तार को लेकर बड़ा शानदार है, और जो गतिमान के आगे लगा है वैब फाइव, आज वैग सेवन भी देखते हैं। ये तो बस की तरह लग रहा था, पुराना लग रहा था ये तो यार। ये फ्री ट्रेन भी बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है, ये तो नीचे कोई मालूमात होनी चाहिए थी इसकी। कोई मखसूस माल लग रहा है किसी मखसूस इदारे या कंपनी का। उस बैग 12 को वहीं खड़ा किया हुए, हाय वैग 9, इसकी भी आप पहचान हो ग्रीन कलर का, ये भी डबल स्टैक ला रहा है, क्या बात है यार। ये भी वैसे गुड्स को लेके ना किसी तौर कम नहीं है, हालांकि गुड्स के आगे WDG 4G भी देखे, ये रफ्तार देखें इसकी कमाल है। अगर वैग 12 किंग है तो वैग 9 भी कम नहीं है, लोड देख लें रफ्तार इसकी, तो रफ्तार वैग 12 से भी तेज लग रही है। अल्लाह हजरत एक्सप्रेस, अच्छा वो कॉरिडोर से परे चल रही है, पर सड़कों से ज़्यादा ट्रैक ही फिर भारत में देखने को मिलेंगे। आप ये बरेली जाती हो नहीं है फिर यूपी में, ट्रैक ही ट्रैक हर तरफ। ये भी कोई पैसेंजर ट्रेन, बड़े किसी मसरूफ़ इलाके में खड़े हैं रेलवे को लेके, बहुत आम तो रफ्तार ट्रेनों की यहाँ पे, गुड्स ट्रेनों के भी मुसाफरों बरदार की भी। ओ अजमेर से दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, ये लगी है कोई वैब की कैटेगरी, शताब्दी जा रही है। इसी रूट के ऊपर तो वंदे भारत भी चलती है। अब जाके उस वैब को इजाजत मिली है जाने की। ये डबल स्टैक कंटेनर वाली जो ट्रेन है ये खूबसूरत बहुत लगती है, फिर ऊंची ऊंची सी, और खुसूसन जब ये कर्व बनाती है ना, देखिए गार्ड जी उसको अनुभूति दे के तो अपने कैबिन में आ गए हैं। फतेहपुर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस, अच्छा परली साइड जो चल रही है वो मुसाफर बरदार ट्रेनें हैं, और जो इस साइड के ट्रैक पे हैं वो माल बरदार हैं। वेल डन जी, ज़बरदस्त वैग 12
और फ्रीट में किसी तरह की मार खा जाए इस बात का इम्कान ही पैदा नहीं होता। और अगर वो कॉरिडोर हो, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर या ईस्टर्न फ्रीट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, तो फिर वैग 12 की शान और शौकत और भी ज़्यादा निकल के आती है, क्योंकि ये जो मखसूस दो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ माल बर्दारी के लिए बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े हैवी लोकोमोटिव्स की ड्यूटी लगा दी गई है, वैग 9 और वैग 12 जैसे बड़े लोकोमोटिव्स की। हालांकि यहाँ पर हमें कोई WDG 4G जैसे मॉडल भी देखने को मिल जाते हैं डीजल में, लेकिन यहाँ पर डंका जो है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का बचता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा ट्रैक जो है उसके इर्द गिर्द खंभों का एक ऐसा निज़ाम बनाया गया है, हम उसके नीचे खड़े हो तो लगता है ऐसे कि जब हम किसी बिजली घर में खड़े हुए हैं। खैर, बिजली घर से निकलते हैं और इस ट्रैक के ऊपर आते हैं और इस ट्रैक के ऊपर दौड़ने वाले शानदार वैग 12 के ऊपर आते हैं, जो बिला शिरकत गैरा यानी किसी भी कंपटीशन के बगैर आज के दिन तक भारत में फ्रीट का किंग माना जा रहा है। 12,000 हॉर्स पावर के साथ है ये भारत में अब तक का सबसे कामयाब शक्तिमान लोकोमोटिव है। फ्रीट को लेके 350-400 के आसपास इसके यूनिट अब तक बनाए जा चुके हैं, कामयाबी के साथ इसको मज़ीद भी बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में इसको बनाया गया है। आपकी इससे मोहब्बत करने की कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन और कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मुझे ये जो गुजरे हुए लोकोमोटिव्स हैं, हालांकि जो WDG 4G है वो भी बहुत खूबसूरत है, वैग 9 भी अपनी जगह ठीक है ग्रीन कलर का, लेकिन इसका ब्लू कलर और खुसूसन इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन, इसकी वजह से मुझे ये याद भी रह जाता है और मुझे ये खूबसूरत भी लगता है। बाकी अगर आप वज़न खींचने की सलाहियत की बात करते हैं तो फिर 12,000 से भी अगर हम उम्मीद नहीं रखते तो फिर हम नीचे किसी से भी उम्मीद नहीं रख सकते। इस वीडियो ने साबित किया कि वैग 12 फ्रीट का किंग है। कोई आने वाले दिनों में इसको कम्पीट कर जाए, इसको पीछे छोड़ जाए तो अलग बात है। वैसे आप कुछ नाम सुन रहे हैं कि कोई इसके 12,000 हॉर्स पावर का कोई दूसरा लोकोमोटिव भी भारतीय मार्केट में आ चुका है, तो देखते हैं जी कब कौन किसको पीछे छोड़ता है। लेकिन आज के दिन तक वैग 12 ही शानदार है। देखा है जी वीडियो में डबल स्टैक कंटेनर लगे हुए हैं, और अगर ये जो कॉरिडोर है इसके ऊपर तो हमें फ्रीट इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि क्या बात है यार। परले साइड पे मुसाफर बरदार ट्रेनें गुजर रही हैं, आला हजरत एक्सप्रेस गुजर रही है, दिल्ली से अजमेर की शताब्दी एक्सप्रेस गुजर रही है, और जो उरले ट्रैक हैं जो इस तरफ के ट्रैक हैं उसके ऊपर गुजर रहे हैं ये मारबरदार गाड़ियाँ गुजर रही हैं। एक वैग 12 तो पक्का पक्का खड़ा ही किया हुआ है, इसको सबसे आखिर में चलाया है, तो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। और जो जो लोग यकीनन आसपास घर हैं जहाँ से लोग ये वीडियो फिल्मा रहे थे, तो अगर इनमें से कोई रेल फ़ैन है, अगर कोई रेल फ़ैन है तो उसके लिए सुबह शाम के मुफ्त के नज़ारे दस्तयाब हो गए। बाकी अगर कोई रेल की आवाज़ से उजल खाने वाला है तो फिर वो यहाँ से कहीं आगे पीछे जाने में ही अपना अफाका समझेगा। बाकी ज़बरदस्त है जी, बहुत अच्छा लगा वैग 12 को देख के, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है वैग 12 को देख के, भारतीय रेलवे को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप भी रेल फ़ैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को देखकर लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा, हम आपकी सजेशन पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।